प्रधानमंत्री मोदी जी के महत्वाकांक्षी योजनाओं में स्मार्ट सिटी भी एक नई योजना है, और इसमें जो है देहरादून शहर को भी जो है एक स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। हमारे साथ भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड के प्रकाश पंत जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या है आखिर ये स्मार्ट सिटी। पंत जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी सर, क्या स्मार्ट सिटी है? सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, माननीय मोदी जी ने एक परिकल्पना की और जो बढ़ते हुए शहरों को सुव्यवस्थित करने के दृष्टिकोण से उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट प्रत्येक राज्य को दिए हैं, और इस प्रोजेक्ट में राज्य सरकारों को एक निर्धारित प्रारूप में भूमि उपलब्ध करानी है, जिसके अंतर्गत 319 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा के प्रोजेक्ट, उसके साथ साथ हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी और जो विकास की अन्य आयाम हैं, उन सभी को उसके अंतर्गत समाहित किया गया है। राज्य के अंदर जिस तरह से स्मार्ट सिटी की आवश्यकता को बल दिया गया, उसमें राज्य सरकार असफल रही है कि सही तरीके से भूमि का चिन्हित किया जाना, और जिस भूमि को उन्होंने चिन्हित किया है वो शुरू के दिन से विवादों के घेरे में है। 1970 में भी उस भूमि का हस्तांतरण किया गया था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाई, और इस भूमि को जो राज्य की हरित पट्टी, राजधानी के निकट हरित पट्टी से संबंधित है, इस भूमि पर 2000 से ऊपर शीशम के पेड़ हैं, और उसके साथ साथ ये चाय बागान है। चाय बागान जिसको 1885 में विक्टोरिया के शासनकाल में दिया गया था, और फ्री सैंपल स्टेट के रूप में पूरे देश भर में अनेकों स्थान पर चाय बागानों की का निर्माण किया गया, और उसमें उत्कृष्ट क्वालिटी की चाय का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। देश की आज़ादी के बाद इन चाय बागानों को महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया, और इस बात को स्वीकार करते हुए जो 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम आया, उस अधिनियम में जिसमें सभी तरह की भूमि को एक साथ क्लब कर दिया गया था, और पूरे देश भर में इस तरह की प्रक्रियाएं चालू हुई थी, वही अविभाजित उत्तर प्रदेश में भी हुई, और उसमें भी चाय बागान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। 1960 में जो बंदोबस्त आया, जिसमें सीलिंग एक्ट के माध्यम से सीलिंग जमीन की सीलिंग की गई, और जिसके पास ज्यादा जमीन थी, 12.5 एकड़ से अधिक की भूमि सीलिंग में आ गई, उससे भी इसको छूट दी गई, अर्थात चाय बागान को बहुत महत्व का स्थान प्राप्त रहा, और कानूनी रूप से भी जो चाय बागान है वो निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं हो सकते हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी की आड़ में सरकार ने ये खेल करना प्रारंभ किया, जिसका हमने शुरू दिन से विरोध किया था। सरकार पहले इसको 2400 एकड़ चाह रही थी, फिर उसने 2000 एकड़ में आई, फिर 1200 एकड़ में आई, लेकिन हमने लगातार सरकार को कटघरे में घेरे रहे, और जिसके चलते हुए आज सरकार 350 एकड़ भूमि पर प्रस्ताव सरकार ने भेजा है। सवाल एक और बड़ा खड़ा होता है कि जिस भूमि पर स्वामित्व सरकार, केंद्र का और राज्य सरकार का है, उस भूमि पर जो काबिज लोग हैं, जो चाय का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, उनको किस बात का पैसा मुआवजा दिया जा रहा है, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा सवाल जो हमारी ग्रीन बेल्ट खत्म करने का है वो खड़ा हो रहा है। इस तरह से सरकार के जो निर्णय हैं वो लगातार कटघरे में है। स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, स्मार्ट सिटी के लिए बेहतर स्थानों का चयन होना चाहिए, राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में ऐसे स्थान है जहाँ नए शहर बसाए जा सकते हैं, सरकार को चाहिए कि उनका चयन करे, लेकिन ये विवाद केवल और भूमाफियाओं को संरक्षण देने के लिए विवाद जो किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, मीनाक्षी सुंदरम जी जो हमारे एमडीडीए के उपाध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि जब हम वहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाएंगे तभी जो है चाय बागान के मजदूरों को भी रोजगार प्राप्त होगा। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, रोजगार कहाँ से दे देंगे? इन्होंने उस पैकेज में जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के तहत इन्होंने उनका पैसे की व्यवस्था कर दी ताकि वो पैसे से उनका मुंह बंद हो जाए। सवाल केवल मात्र श्रमिकों का नहीं है, सवाल नीतिगत है। नीतिगत यह है कि चाय बागान, जहाँ हम पूरे राज्य भर में 719 हेक्टेयर जमीन में नए चाय बागान बगाने के लिए हमने टी बोर्ड का गठन किया राज्य बनने के बाद, और दूसरी तरफ जहां चाय उत्पादन हो रहा है उसको हम बंद कर रहे हैं, तो ये कोई औचित्यपूर्ण सवाल नहीं है, और ये कुतर्क किसी भी तरह का वीसी एमडीडीए का स्वीकार्य नहीं है। सर, स्मार्ट सिटी सिर्फ देहरादून ही क्यों? पहाड़ों में भी स्मार्ट सिटी बनाई जा सकती थी, और तमाम हमारे जो पहाड़ी जो जिले हैं वो पिछड़े हुए हैं, उनका भी विकास हो सकता है। एक तरफ हमारे पहाड़ जो पलायन की मार झेल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है इसको जो है शहरों में बढ़ावा दिया जाएगा,
जा रहा है स्मार्ट सिटी को, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, वास्तविकता है जो इस समय जो राज्य के बाद आवश्यकता थी, जो यहाँ का मूल अंतर विरोध था, वो पलायन से जुड़ा हुआ है। शिक्षा और रोजगार के नाम में होने वाले पलायन को रोकने के लिए नए शहरों की स्थापना होना अत्यावश्यक है। राज्य में 880 के लगभग नए कस्बे शहरों के रूप में तब्दील हो गए हैं, जो अनियोजित विकास का एक जीता जागता नमूना है। राज्य को चाहिए कि हम ऐसे स्थानों पर नया शहर बसाएं, और वो भी सुनियोजित विकास की अवधारणा को लेकर के बसाएं, तो राज्य के हित में होगा, न कि देहरादून में जो हमारी इतनी अधिक प्रेशर इस समय जनता का है, उसी में हम एक और प्रेशर क्रिएट करें, ये उचित नहीं है। तो ये थे हमारे साथ प्रकाश पंत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि स्मार्ट सिटी हो, लेकिन ऐसी स्मार्ट सिटी ना हो कि जिससे जो है गरीबों का नुकसान हो। नितिन के साथ भानु प्रकाश नेगी, मीडिया 24।